आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो कढ़ी बनाने से पहले मैं ये जो पकौड़े का मिक्सचर है वो तैयार करने लगी। ये तैयार कर लूँगी, रख दूँगी, उसके बाद फिर कढ़ी बनाना शुरू करूँगी। तो पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ये प्याज है, और ये बेसन, ये अजवाइन, ये मिर्च है, ये है ज़ीरा, ये धनिया है, ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी है, और ये धनिया, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो नमक है, ये नमक है। तो अभी मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी ये धनिया डालूंगी। और ये इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, ये ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा ऊपर थोड़ा, और ये सूखा धनिया का पाउडर है, ये जाएगा 1.5 चम्मच। ये है पाउडर लाल मिर्च पाउडर, ये जाएगा। ये है कुटी हुई मिर्च, ये जाएगी थोड़ी, और ये जो अजवाइन है ये थोड़ी सी जाएगी, ये बिल्कुल थोड़ी सी पंच सेक जाएगी ये। और इसमें अभी मैं डालूंगी ये थोड़ा सा लहसुन का और अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई है। और इसमें भी डालूंगी नमक, हसबे जायका है, जितना भी आप नमक इस खाते हैं उतना डालें। अभी ये मेरा बेटर तैयार हो गया, अभी मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। अभी ये मैं दही, लस्सी बनाने के लिए ये दही है तकरीबन 1 किलो है, तो इसमें मैं अभी ये 3 टेबल स्पून डालूंगी भुना हुआ। ये मैंने भून लिया था उसको, ये जो है ना बेसन, इसको मैंने भून लिया था। तो अभी ये मैं इसको इसके अंदर ये डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, तो इसी की लस्सी बनाऊंगी। इसमें ये डालूंगी बेसन, इसमें फिर वो गुठलियाँ नहीं रहती ना, इसमें सही मिक्स हो जाता है, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये भी मैं थोड़ा सा इसमें ये पानी डालूंगी, बस इसमें ये बहुत ज़्यादा ठीक होगा तो इसमें पानी डाल लूँगी बाद में। ठीक, अभी ये मैं ऑयल डालने लगी हूँ, इसका प्याज इसमें डालूंगी, इतना सा जाएगा। तो अभी ये छोटे साइज का प्याज मैंने काटी थी वो लूंगी, इसमें ये हरी मिर्च और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और ये मिर्च है मोटी मिर्च है। ये ऑयल मैंने साथ ही रख लिया है क्योंकि इसके साथ जब इसमें वो दही डालूंगी, लस्सी डालूंगी, बेसन, तो फिर इसके साथ ही पकोड़े बना लूंगी, साथ में ये तैयार हो जाएगा, साथ पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अभी ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का ये मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें ये लाल मिर्च डालूंगी 1/2 चम्मच, और ये डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डालना,
और ये हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें, बिल्कुल शादी आती है। अब इसमें नमक डालूंगी, एक चम्मच के तकरीबन नमक डाल लेना। अब इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, मिर्ची खास ना लगे। और अब इधर मैं एक साथ में पकौड़े बना लेती हूँ, मेरे पकोड़े भी साथ तैयार हो जाएंगे। और उधर जब मैं फिर उसमें बेसन और लस्सी डालूंगी, दही, अब ये मैं दही में जो बेसन मिलाया हुआ था वो इसमें डालने लगी हूँ। ये मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, अभी मैं इसको ये जब दो तीन अब बॉयल आते हैं ना तो फिर इसमें ये डालूंगी। अब ये तैयार हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी और इसमें पकौड़े डालती हूँ। अभी इसको मैं तड़का इसका बनाना है, ऊपर में जो इसको बघार देना वो मैं अभी इसका बनाने लगी हूँ, वो बघार लगाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ इसको फाइनल में। अब मैं इसमें ये एक क्यूब चिकन क्यूब डालूंगी, अगर आपके पास है तो डाल लो, नहीं है तो नहीं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला और उसमें ये डाला, और अभी इसमें मैं ये कुटा हुआ जीरा डाल दूँगी, आधा प्याज था, इससे ना अच्छा टेस्ट आता है। ये एक बार आप ऐसा ट्राई करो, अच्छा लगेगा। अभी ये तैयार हो गया, अभी इसको मैं डिश आउट करूँगा। अभी मैंने ये इसको बघार डाला, अब ये मेरी डिश तैयार हो गई है। अभी इसको मैं ऊपर थोड़ा सा ये धनिया डालूंगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।